यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं ऊना और बिलासपुर में भी लोगों ने योग करके फिट रहने का संकल्प लिया है। बिलासपुर में मनाए गए योग दिवस में सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की है। आपको बता दें कि बिलासपुर के लुहनू क्रिकेट मैदान में योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने सभी को योग दिवस की बधाई दी और योग को अपने जीवन में अपनाने पर बल दिया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, खेल संस्थाओं से जुड़े लोगों सहित नगर के गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो दो तस्वीरें ऊना और हमीरपुर की और बिलासपुर और शिमला की तस्वीर भी इसी के साथ आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर में अनुराग ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर रिज के मैदान पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऊना से हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित शर्मा, यहां पर कितने लोगों ने योग किया और कितना उत्साह था लोगों के अंदर? जी बिल्कुल कीर्ति, आपको बताना चाहूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऊना में जो है वो विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न संगठनों द्वारा कई स्थानों पर जो है वो योग शिविर लगाए गए थे और पतंजलि द्वारा जो है वो हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय में जो है वो जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे और सतपाल सत्ती ने जो है यहाँ पर बच्चों के साथ योग किया था। वहीं जिला प्रशासन द्वारा बहडाला के सरकारी स्कूल में जो है वो योग शिविर का आयोजन किया था, जिसमें जिला के सभी अधिकारी और कर्मचारी जो है वो मौजूद रहे और इस दौरान जो है वो लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिला। जिस तरह से आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था, इस बार जो है वो चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो धूमधाम से जिला ऊना में मनाया गया। कीर्ति जी, अमित शर्मा, तकरीबन कितने लोगों ने मिलकर योग किया? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सिर्फ पतंजलि ने ही जो है वो पांच स्थानों पर जो है वो योग शिविर लगाए थे जिला ऊना में। उसके अलावा जो है वो भूतपूर्व सैनिक हो, जिला प्रशासन हो, कॉलेज हो, एनसीसी कैडेट हो, एनएसएस कैडेट्स हो या अन्य स्कूली छात्र जो है वो उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा तमाम जानकारी के लिए। हमीरपुर से जसवीर शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जसवीर, हमीरपुर में क्या नजारा था योग का? बिल्कुल जी, हमीरपुर में आपको ये बता दूं कि जो हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल का मैदान है वहाँ सुबह तड़के 5:30 से ही लोग और जो स्कूली बच्चे थे वो आना शुरू हो गए थे और यहाँ पे तकरीबन 5,000 लोगों ने एक साथ आज योग का क्रियाएं की है और इसमें मुख्य तौर पे पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने भी शिरकत की और उन्होंने भी योग का यहाँ पे संदेश दिया है कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। और आपको ये बता दें कि इसके अलावा विभिन्न स्कूलों में भी सुबह उसमें योग के यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं और पूरा दिन भर उनको योग की क्रियाएं बताने के लिए भी कहा गया है ताकि योग का संदेश सिर्फ एक दिन न रहकर पूरे साल भर चलता है। जी जसबीर, योग की पहले कैसे तैयारियां की गई थी, तैयारियां क्या पूरी की गई थी वहां पर? हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि जो यहाँ पे जो मुख्य प्रमुख कार्यक्रम था वो बाल स्कूल के मैदान में, वहाँ पे बाकायदा सुबह में ही बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई थी, मैट रखे गए थे ताकि कोई भी बैठे ना बैठे और साथ में पानी की भी अच्छी व्यवस्था की गई क्योंकि सुबह इसमें धूप भी चमक रही थी तो ऐसा नहीं किसी को चक्कर आया है। जी, यहाँ पे गाड़ी वगैरह मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर कुमार तमाम जानकारी के लिए। और बिलासपुर से परविंदर शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। परविंदर, बिलासपुर में क्या नजारा था योग का, यहाँ पर सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे? ठाकुर ने योग दिवस पर योग का पूरा आनंद लिया, उनके साथ साथ भाजपा के जो अन्य पदाधिकारी थे जी वो भी मौजूद रहे, जिला प्रशासन के अधिकारी, स्कूली बच्चे, सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बिलासपुर के उनके जो खिलाड़ी थे वो सभी आज बिलासपुर के लुहनू मैदान में जुटे थे। सुबह 6 बजे से जो हजूम था लगना शुरू हो गया था जी और करीब करीब 8:30 बजे तक जो योग का सेशन है ये चला है, सभी ने आनंद लिया है और अपने फिट रखने की एक जो कवायद है वो शुरू की गई है और बहुत ही उत्साह जो है इस योग दिवस पर जी। बिलासपुर से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, कई हजार लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। जी बिल्कुल, करीब करीब अगर कहें संख्या अगर मैं बताना चाहूँ तो 4,000 से 5,000 के करीब जो लोग थे यहाँ पे मौजूद थे और उन लोगों ने योग दिवस का पूरा आनंद जो है आज के दिन जो है उठाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया परविंद्र सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो बिलासपुर, शिमला, ऊना, हमीरपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार हमारे संवाददाता हमें अपडेट्स दे रहे हैं कि इस योग दिवस पर किस प्रकार की तैयारियां की गई थी, कितने लोगों ने इसमें मिलकर के भाग लिया और यहां पर मुख्य रूप से कौन कौन मौजूद रहा। बिलासपुर की बात करें तो यहां पर सांसद अनुराग ठाकुर मौजूद रहे, शिमला से सीएम जयराम ठाकुर यहां पर योग करते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिलासपुर में आज हज़ारों युवाओं ने और आम जनता ने मिलकर
योग दिवस मनाया। मोदी जी का संदेश दुनिया भर में योगा को बढ़ाने का, और जब पहले ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उन्होंने 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, सभी देशों ने आम सहमति के साथ इसको माना। आज देश नहीं बल्कि दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर, ऐसे आयोजन हर जगह होने चाहिए, हर साल होने चाहिए, जिससे शरीर तंदुरुस्त रहे और स्पोर्ट्समैन के लिए।